उदयपुर जिले के सेमारी गांव के उदयपुर रोड पर बनी संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ब्रांच में निवेशकों का डूबा 6,70,00,000 रुपए, जिस पर आज सभी निवेशकों ने मिलकर दोपहर में सेमारी तहसील में जाकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। इन निवेशकों में कुछ तो ऐसे भी है जिनकी पूरी जीवन की कमाई जमाती आज सभी सड़क पर आ गए हैं। लोग काफी परेशानियों से गुजर रहे हैं। साथ में सेमारी थाना प्रभारी श्याम सिंह को भी कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिया। खबर आपकी राजस्थान से, संजय चौबीसा की रिपोर्ट। मेंबर, मैं रणजीत सिंह पवार, यहाँ संजीवनी सोसाइटी का ब्रांच मैनेजर हूँ। 3 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ सोसाइटी 2010 से चल रही है और 2 माह से संजीवनी के प्रबंध निदेशक श्री विक्रम सिंह राठौर, जो कि आगे से भुगतान रोक दिया और गबन के मामले में गिरफ्तार हो गए और लुटेरा निकला, और आज हमारे यहाँ सोसाइटी के सभी निवेशक लगभग 1300 सदस्य है और 6,73,00,000 के यहाँ जमाए हैं। आज दर दर भटक रहे, मुझे भी परेशान कर रहे हैं। हम कर्मचारियों की, अभिकर्ताओं की दयनीय स्थिति हो गई है और घर पे रहना मुश्किल हो गया है। लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए आज हम तहसीलदार साहब के द्वारा मुख्यमंत्री माननीय श्री सहकारिता मंत्री उदयलाल जी आंजना और माननीय रजिस्ट्रार महोदय नीरज के पवन जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं।